किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं। तानिया कहाँ है? वो चले जाओ, सामने वाला जो दरवाजा है ना, वो उसी के कमरे में। रात के अंधेरे में एक मशकूक शख्स घर में दाखिल होता है, तानिया का पूछता है और फिर उसके कमरे की तरफ चले जाता है। क्या इस औरत ने इस शख्स से तानिया को कत्ल करवाया था? तो फिर उसने पुलिस स्टेशन फोन क्यों किया? वो शख्स कौन था? आखिर तानिया को कत्ल क्यों किया गया? इसके पीछे क्या साजिश थी? ये जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से देखना होगा। तानिया, तुमने अपनी आपकी और अपने दूल्हा भाई से बात की? की थी, लेकिन वो दोनों किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। क्या? इफ्फत भाभी भी नहीं चाहती कि मेरी शादी तुमसे हो। तुम्हारी भाभी को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उनको नहीं, उनके भांजे को है। क्या मतलब? वो पूरी कोशिश कर रही है कि मेरी शादी उससे हो जाए। तानिया, तानिया। जी भाभी, आपने बुलाया? कुछ काम था? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम आओ, इधर आओ मेरे पास। पूछिए, क्या पूछना है? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें फाइक कैसा लगता है? अगर आप ये क्यों पूछ रही हैं? मैंने फाइक से भी पूछा था, वो कह रहा था तानिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता है। भाभी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। फिर तुमने उन्हें बताया कि तुम किसी और को पसंद करती हो? बताया था, मगर वो फिर उसे बहाने बहाने से घर पे बुलवा लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। भाई, तुम्हारी तो बहुत लंबी उम्र है, अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। ये क्या है? ये जिंगर है। जिंगर? जिंगर तो हमारी तानिया को भी बहुत पसंद है। भाई, तुम ऐसा करो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। अच्छा, ठीक है। देखा, तुम्हारी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखता है ये। तुम इसके साथ बैठ के बातें करो, मैं अभी आई। रहने दे भाभी, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तानिया, फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। वो क्या? हमें अपना घर बार छोड़ना होगा, सब रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। तानिया, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ तानिया, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो कोई काम मुश्किल नहीं। तुम
मेरी खातिर अपनी आप ही और अपने दुलाबे को छोड़ दोगे? तानिया, मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं अपनी सांसें लेना भी छोड़ दूँ। ऐसी बातें ना कहो दानियाल, अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तो फिर तुम मेरा साथ दोगी? तुम अपने हर कदम पे मुझे अपने साथ पाओगे। तो फिर आज ही हमें अपने घर वालों से फैसला कुन बात करना होगी। सही है, अगर आज इफ़त भाभी नहीं मानती तो फिर जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। दानियाल और तानिया अपने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत शिद्दत से प्यार करते थे, लेकिन इनके घर वाले इनकी इस मोहब्बत में रुकावट बने हुए थे। इधर दानियाल और तानिया ने अपने घर में फैसला कुन बात करने का फैसला किया, तो उधर उनके घर वालों ने उनके इस फैसले पे क्या रद्दअमल किया, आइए देखते हैं। मेहरबान हो, एक गिलास पानी पिलाओ। करसम, बेटा आपने अपना होमवर्क डन कर लिया? बाबा बाद में कर लूंगी। बाद में नहीं, चलो अभी अपना होमवर्क डन करो। शाबाश। क्या बात है, क्यों डांट रहे करसम को? सर चढ़ा के रखा हुआ है तुमने बच्चों को, हर वक्त डांटते ही रहते हैं। मैं कर लूंगी इसका होमवर्क। स्कूल में एग्जाम भी तुम दे देना जाके इनकी जगह। बाबा भी कर लेते। ओके बेटा। आपकी मामा की तबीयत कैसी है? आंटी ठीक है। अच्छा करसम, आप अपने रूम में जाके खेलो, मैं आपके बाबा जी से कुछ बात करनी है। लो दानियाल भी आ गए। अपने भाई को समझा लो, यहाँ रहना है तो शराफत से रहे, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। देखो दानियाल, क्यों नहीं छोड़ देते उस लड़की का पीछा? तुम्हें पता है तुम्हारे बहनों को वो लड़की ना पसंद है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और उसके लिए आपको भी छोड़ सकता हूँ। देखा कैसा उस लड़की का जादू सर चढ़ के बोल रहा है इसके ऊपर। अच्छा है, जब इश्क का नशा उतर जाएगा ना, जब ही अकल ठिकाने आएगी। इसका मतलब आप लोग मेरा रिश्ता लेकर ताने के घर नहीं जाएंगे? हरगिज नहीं। देखो अपने दूल्हा भाई की बात मान लो और उस लड़की का पीछा छोड़ दो। ये नामुमकिन है। तो फिर जाओ अपना बंदोबस्त कर लो कहीं और। बेटा आपने मदरसे का सबक याद किया? जी अम्मी, मुझे अपना सबक पक्का याद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक बैठो। शानी बेटा एक काम करो, अपने कमरे में जाके एक बार फिर अच्छी तरह दोहरा लो। जी आप पता है ना, समरीन बाजी सबक याद नहीं करने पे खड़ा कर देती। जाओ, शाबाश। खाला, आपने बात की तानिया से? की थी। मानी? नहीं मानी। खाला आखिर ये तानिया चाहती क्या है? मैं अपनी जान दे दूंगी मगर शादी दानियाल से ही करूंगी और किसी से हरगिज़ नहीं करूंगी मैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी थी। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब मुझे आपकी जरूरत नहीं रही। इस घर में रहना है ना तो तुम्हें मेरी बात तो माननी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, ये घर मेरे बाप दादा का है और इस पे मेरा भी पूरा हक है। ये हक तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम मेरी बात मानोगी। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी और मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक बात तो बताओ, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? बहुत गुरूर है तुम्हें अपने आप पर। तमीज से बात करें मुझसे, तमीज से। इतनी आसानी से नहीं समझेगी, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा इसके लिए। अरे वो तो बस दानियाल की मोहब्बत में पागल हुई जा रही है। तो इसका मतलब मैं तानिया की तरफ से साफ इनकार समझूं? अरे मेरे प्यारे भांजे, तुम इतने नाउम्मीद क्यों होते हो? मैं हूं ना, तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगी। देखिए अब मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। देखो जब घी सीधी उंगली नहीं निकलती ना
तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। बस अब तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। प्यार करने वालों का जमाना हमेशा से दुश्मन रहा है। क्या तानिया और दानियाल को उनकी मंजिल मिल गई थी या फिर उन्होंने हालात से समझौता कर लिया था? इधर तानिया की भाभी इफ्फत भी अपनी कोशिश में नाकाम रही थी, लेकिन उसके जहन में कुछ चल रहा था। क्या फाइख की दिली मुराद पूरी होगी? भाभी, आपने मेरा फोन देखा कहीं? नहीं तो, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, आप एक काम करें, मेरे फोन पे जरा मिस बेल दें। स्विच ऑफ आ रहा है, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। तुमने कहीं बाहर तो नहीं छोड़ दिया? नहीं भाभी, मैंने पर्स के अंदर ही रखा था, मगर पता नहीं क्यों पर्स में नहीं है। तुम ऐसा करो, अपने कमरे में ठीक से चेक करो। हाँ, मैं फिर से देखती हूँ। हेलो हेलो, तुम दानियाल हो ना? जी जी, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं तानिया की भाभी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, भाभी इस्लाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाभी तानिया कहाँ है? मैं काफ़ी देर से उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तानिया ने ही तुम्हारा नंबर दिया है, तुम अभी घर आ सकते हो? खैरियत तो है ना भाभी? खैरियत होती तो मैं तुम्हें कभी इस वक्त कॉल नहीं करती। क्या हुआ है तानिया को? तानिया की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, मैं उसे अस्पताल लेके गई थी। इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता नहीं? अभी तानिया कहाँ है? अभी वो घर पर है, मगर अभी भी खुनूदगी में बस तुम्हें याद किए जा रही हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। हवा मिलेगा, तुम सीधे उसके कमरे में चले जाओ। ठीक है बेटा, तुम क्यों उठ गए? प्यास लगी है, पानी पीना। अच्छा तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। देखा तो नहीं तुमने? नहीं। तानिया कहाँ है? वो चले जाओ, सामने वाला जो दरवाजा है वो उसी के कमरे में। We'll be right back.
पुलिस स्टेशन। इसी ने कत्ल किया है तानिया को। आसिफ, अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कत्ल नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यकीन करें सर, जब मैं यहाँ हूँ तो तानिया पहले से ही मरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में आला एक कत्ल है, तुमने कत्ल नहीं किया तो किसने किया ये कत्ल? सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे इसमें तानिया की भाभी का हाथ लगता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है। सर, मैंने तानिया के कहने पे इसे फोन करके बुलाया था। एक बात बताइए, तानिया ने क्यों नहीं फोन किया? तानिया अपना मोबाइल कहीं रख के भूल गई थी। आसिफ, इस घर की अच्छी तरह से एक चीज की तलाशी लो, कोई चीज मशकूक नजर आए अपनी तहवील में ले लो। ओके सर। आपने कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा था? सर, मैं दानियाल को तानिया के कमरे तक छोड़ के वापस अपने कमरे की तरफ आ गई थी। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं। तानिया कहाँ है? वो चले जाओ, सामने वाला जो दरवाजा है वो उसी के कमरे में। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने कमरे में थी कि मुझे अचानक एक चीख की आवाज सुनाई थी। अगर आप लोग वक्त पे ना आते तो शायद ये तो कत्ल करके फरार भी हो चुका होता। बेटा क्या नाम है आपका? शानी। आप गल है जी बेटा। बेटा आप आइए हमारे साथ, आइए। वेरी गुड, शाबाश। पुलिस ने मौके से आला कत्ल के साथ दानियाल को हिरासत किया, लेकिन जब
سے تفتیش کا آغاز کیا تو اس نے ابتدائی تفتیش میں یقین کے ساتھ اس قتل سے انکار کر دیا۔ پولیس نے عفت سے جب بات چیت کی تو پولیس کو عفت پہ شک ہوا اور اسی شک کو دور کرنے کے لیے پولیس نے اسی گھر سے اپنی تفتیش کا آغاز شروع کیا۔ کچھ ملا صرف؟ جی سر، یہ موبائل ملا ہے تانیہ کی بھابھی کی الماری سے۔ یہ موبائل کس کا ہے؟ سر یہ بچہ بتا رہا ہے، یہ موبائل تانیہ کا ہے۔ یہ بیٹا آپ کا ہے؟ جی یہ میرا بیٹا شانی ہے۔ تانیہ کا موبائل فون آپ کی الماری میں؟ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے تانیہ وہاں رکھ کر بھول گئی ہو۔ اپنی ضرورت کی چیز موبائل فون اور وہ بھی آپ کی الماری میں؟ بیٹا ذرا یہ آئیے۔ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تانیہ آنی کا مرڈر ہو گیا؟ انسپکٹر صاحب، آپ ایک چھوٹے سے بچے سے یہ کس قسم کا سوال کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں تو اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، لیکن میڈم پلیز، جب آپ سے پوچھا جائے تو جواب دیجیے گا۔ سر یہ فائق سے زبردستی تانیہ کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ فائق یہ کون ہے؟ سر یہ ان کا بھانجا ہے، مجھے اس قتل میں اسی کا ہاتھ لگتا ہے۔ نہیں انسپکٹر صاحب، یہ قتل اس نے نہیں کیا ہے۔ تو پھر یہ قتل کس نے کیا ہے؟ بیٹا شانی، رات کو فائق گھر آیا تھا یا آپ کی مما نے فون کر کے بلوایا تھا؟ مما نے تانیہ انکل کو کال کر کے بلایا تھا۔ کیوں بلوایا تھا؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن امی جب موبائل پہ بات کر رہی تھی تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ ہیلو، وہ آ رہا ہے، تمہیں دروازہ کھلا ہوا ملے گا، تم سیدھے اس کے کمرے میں چلے جانا۔ ٹھیک ہے۔ بیٹا تم کیوں اٹھ گئے؟ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کے آتی ہوں۔ ابھی یہ خالد کون ہے؟ سر یہ عورت مجھے پہلے ہی مشکوک لگ رہی تھی۔ میڈم آپ خود ہی سچ بتا دو، ورنہ سچ اگلوانے کے لیے ہمیں اور بھی طریقے آتے ہیں۔ دیکھو بیوی، تم اپنے ہی دام میں پھنس چکی ہو، سچ سچ بتاؤ یہ خالد کون ہے؟ انسپکٹر صاحب میں بے قصور ہوں، خالد میرے پڑوسی ہیں، انہوں نے ہی مجھے گمراہ کیا تھا۔ محلے میں میری خالد سے شناسائی ہو گئی تھی، وہ بھی ہمارے گھر کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس دوران وہ یہ بات جان گئے تھے کہ میں فائق سے تانیہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن تانیہ دانیال سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ کون ہے؟ خالد صاحب آپ؟ یہ رکھ لو۔ یہ کیا ہے؟ بازار گیا تھا، مٹھائی اچھی لگی، سوچا آپ کے لیے بھی لے لوں۔ خالد صاحب اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ارے اپنوں سے تکلف کیسا۔ اچھا اندر آئے نا، اندر آئے۔ عفت، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بولے۔ میں جانتا ہوں تم تانیہ کی شادی فائق سے کرنا چاہتی ہو، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ تم فائق کو گھر داماد بنانا چاہتی ہو۔ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس لیے نا، تاکہ یہ دولت اور یہ گھر تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ مگر خالد صاحب، یہ تانیہ تو شادی پہ راضی ہو کے نہیں دیتی۔ تم نے کبھی سوچا ہے جب وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے چلی جائے گی تو تمہارا کیا ہوگا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تم باقی کی زندگی کس کے سہارے گزارو گی؟ میں جانتا ہوں تمہارا ایک بچہ ہے، تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نہ صرف تمہیں مضبوط سہارا دے سکتا ہوں بلکہ تمہیں اس تمام دولت کا جائز حقدار بھی بنا سکتا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ میں تمہارے دامن میں پھنسے اس کانٹے کو اتنی خوبصورتی سے نکال دوں گا کہ کسی کو ہوا تک بھی نہ ہوگی۔ وہ کیسے؟ یہ ساری منصوبہ بندی خالد کی تھی، انہوں نے ہی تانیہ کو قتل کیا ہے۔ دانیال کو فون کرنے کے بعد
खालिद को मैंने ही बुलाया था। खालिद का ख्याल था कि तानिया का जिंदा रहना मुझे दौलत और घर से महरूम कर सकता है। मैं भी खालिद के दाम में आ गई थी। मैं भटक गई थी, गुमराह हो गई थी। तुम्हें इस मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं आया? खालिद ने मुझे इस घर और दौलत के साथ मजबूत सहारा देने का ख्वाब भी दिखाया था। तो देख लिया ना, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर कितनी भयानक निकली। मैं उसका साथ नहीं देना चाहती थी, मगर उसने मुझे गुमराह कर दिया। जुर्म का साथ देने वाला भी बराबर का मुजरिम होता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक लम्हे के लिए भी आपने इस बच्चे के लिए सोच लिया होता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। प्लीज अंकल, क्या मेरी मम्मी को जेल हो जाएगी? बेटा जी तो नहीं चाह रहा है कि तुम्हारी मम्मी को जेल भेजा जाए। बेटा हम भी कानून के सामने बेबस हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मम्मी को कम से कम सजा हो सके। और तुम दोनों खालिद को फौरन अरेस्ट करो। ओके सर। वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी के लिए घड़ा खोदता है तो उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शायद वो उस घड़े में खुद भी गिर सकता है। हमारी आज की कहानी के पीछे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जायदाद के चक्कर में इफ्फत ने अपने पड़ोसी खालिद के साथ मिलकर एक जुर्म किया। उसे इस बात का भी एहसास नहीं रहा कि उसका एक मासूम बच्चा भी है। ऐसी कहानियाँ दिखाने का आप सबको मकसद ये होता है कि इन कहानियों से आप सबक हासिल करें। शैतान किसी वक्त भी हमारे ऊपर मंडला सकता है और हमें इससे बच के रहना है। कैसे बचना है ये सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।